मध्य प्रदेश के डीजीपी ऋषि कुमार शुक्ला बुधवार को इंदौर पहुंचे, जहां संभाग के सभी अधिकारियों के साथ उन्होंने कानून व्यवस्था और अपराधों की समीक्षा की। इस बैठक में डीजीपी ऋषि कुमार ने इंदौर संभाग के सभी पुलिस अधिकारियों को ट्विटर सहित सोशल मीडिया के अनेक माध्यमों पर सक्रिय रहने के भी निर्देश दिए। बैठक में आने वाले त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने और इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था माकूल रखने संबंधी विषय पर भी विस्तार से चर्चा हुई। बैठक के बाद मीडिया से चर्चा में डीजीपी ने गुंडों के मकान तोड़ने की कार्रवाई की भी तारीफ की है। आगे भी त्योहारों के बाद दूसरे दौर में भी गुंडों के मकानों पर कार्रवाई होने की बात कही। डीजीपी ने पुलिस और जनता के बीच बेहतर संवाद के लिए भी कई कदम उठाने की बात पर जोर दिया। और में आने वाले त्योहारों पर तैयारी कैसी है और इस वर्ष की हमारी क्या क्या प्राथमिकताएं हैं, उनको तय करने के लिए हम लोग आज यहाँ एकत्रित होकर समीक्षा कर रहे हैं और अपनी कार्य योजना को अंतिम रूप दे रहे हैं। सर, पिछले दिनों इंदौर में बहुत सराहनीय पहल हुई, बहुत अच्छी बात है और ये पहल सब जगह बनी रहे, यही हम लोग आपके सहयोग से अपेक्षा करते हैं। चुनावी जोर देखते हुए शायद आए होंगे कुछ खास तौर से? नहीं, ऐसा कोई तो चुनाव तो अभी साल भर बाकी है, अभी तो जनवरी फरवरी है, चुनाव तो दिसंबर नवंबर में होगा। सर, गुंडों के मकान तोड़ने की कार्रवाई क्या आगे भी बिल्कुल जारी रहेगी। इंदौर सहित संभाग के सभी जिलों की कानून व्यवस्था और अपराधों की समीक्षा की गई, साथ ही सुधार कार्य के निर्देश दिए गए हैं।